आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देश भर में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संगठित भ्रष्टाचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को कैसे खुलेआम लूट रही है, उसके बारे में विस्तार से आपके सामने खुलासा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और यह लूट इस देश की जनता से बिजली के नाम पे की जा रही है, उस बिजली के नाम पे जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को निशुल्क फ्री में उपलब्ध कराया। पंजाब में हमारी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देती है, दिल्ली में हमारी सरकार बिजली फ्री देती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो बिजली फ्री देती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बिजली के नाम पर खुली लूट करती है, दिन दहाड़े जनता का जेब काटती है। और कैसे काटती है? मार्च के महीने में 2024 के अंदर चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बोले चुनाव होगा, जो परिणाम आएंगे तो बाद में देखा जाएगा, पहले लूट का इंतजाम करो। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मार्च के महीने में 6600 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगाने का, बिजली की सप्लाई करने का, माफ कीजिएगा, बिजली की सप्लाई करने का टेंडर जारी किया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। कितने का? 6600 मेगावाट, कोई मामूली बिजली नहीं, 6600 मेगावाट का। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, आप लोग भी इसको पढ़ के रिसर्च करके जानकारी ले लीजिएगा, जहां पर मिक्स टेंडर निकाला गया। बोले हमें कोयले की बिजली यानी कि थर्मल बिजली और सोलर की बिजली यानी कि सौर ऊर्जा की बिजली एक साथ चाहिए। आमतौर पे क्या निकलता है? सोलर बिजली के लिए ठेका अलग निकलता है, थर्मल की बिजली के लिए ठेका अलग निकलता है। ये क्या कह रहे हैं? सोलर और थर्मल एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 6600 मेगावाट। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था देश में जो भी बिजली के ठेके निकलेंगे उसमें प्रतियोगिता बढ़ाइए, जिसके कारण जनता को सस्ती बिजली मिल सके। किसने कहा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। कब कहा? 2014 में। कब कहा? जब भारत के प्रधानमंत्री महामानव का जन्म भारतीय राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब इस देश में महामानव के रूप में जन्म लिया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे महामानव, इस देश में जितने भी बिजली के ठेके निकालना ऐसे निकालना जिसमें प्रतियोगिता बढ़े और जनता को सस्ती बिजली मिले। तो महामानव की डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, तो महामानव ने कहा कोई कंपटीशन ना रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो होने दो, किनारे मारो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बोले 5000 मेगावाट सोलर बिजली चाहिए और 1600 मेगावाट थर्मल बिजली चाहिए। टेंडर निकल गया, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई
इस देश में कौन दे सकता है? आप लोगों के मन में तो नाम चलना शुरू हो गया होगा। इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई महामानों के दोस्त के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। दो तीन प्लेयर हैं इस देश में जो इसके लिए टेंडर करेंगे। टेंडर कर दिया गया, टेंडर कर दिया गया, टेंडर अप्लाई हो गया, टेंडर खुल गया। और जब टेंडर खुल गया सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया तो टेंडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है, कोयले की बिजली 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है, लेकिन अडानी को 6600 मेगावाट की बिजली 4 रुपए यूनिट के दर से मिली। ये 1 रुपए की डकैती किसके जेब में डाली जा रही है? ये 1 रुपए की लूट किससे की जा रही है? महाराष्ट्र की जनता से। महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लीजिएगा एक एक चीज का। ये 1 रुपए प्रति यूनिट की लूट आपकी जेब से की जा रही है। अडानी अपने पास से नहीं दे रहा है, मोदी जी अपने पास से नहीं दे रहे, आपसे लूटी जाएगी ये जो 1 रुपए यूनिट, 1.5 रुपए यूनिट महंगी बिजली दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता को लूटने की खुली छूट अडानी को नरेंद्र मोदी जी, शिंदे जी कैसे मिल गई, देवेंद्र फडणवीस जी, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा आपको। और एक मोटे मोटे अनुमान के तहत अगर ये 6600 मेगावाट की बिजली सप्लाई 4 रुपए यूनिट के दर से अगले 25 साल तक चलती रहे तो करीब करीब महाराष्ट्र की जनता को 1,00,000 करोड़ रुपए का चूना लगेगा। 1,00,000 करोड़ रुपए की लूट महाराष्ट्र की जनता से की जाएगी। इससे भी मजेदार केस आई है राजस्थान का। राजस्थान में मोदी जी के दोस्त अडानी को कहा गया, भैया तैयारी कर लो, ठेका निकलने जा रहा है। बोले हुजूर क्या तैयारी करनी? बोले हमारे साथ एमयू साइन करो, एग्रीमेंट साइन करो। बोले कितने का? बोले ऐसा करो, तुम्हारा जो थर्मल प्लांट है उसमें तो 3200 मेगावाट के लिए तुम अप्लाई कर दो एक्सपेंशन का। जो थर्मल प्लांट है उससे 3200 मेगावाट बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप सरकार के सामने अप्लाई कर दो, उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस और बाकी चीजें वो कागज हम पूरा करते रहेंगे। 3200 मेगावाट। बोले और हुजूर क्या करना है? बोले दूसरा एमयू साइन करो राजस्थान की सरकार के साथ। बोले क्या, कितने का? बोले सोलर प्लांट का 8,000 मेगावाट। 8,000 मेगावाट का सोलर प्लांट का एमयू साइन करो। कितना हो गया? 11,200 मेगावाट। 8,000 सोलर और 3,200 थर्मल। 8,000 सौर ऊर्जा की बिजली 8,000 मेगावाट और 3,200 मेगावाट कोयले की बिजली। तो 3,200 मेगावाट बिजली जो उनके थर्मल प्लांट वहां पे चल रहे हैं अडानी के, उसके एक्सपेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। देखिए कितने कितने सुनियोजित संगठित भ्रष्टाचार किस तरीके से बीजेपी करती है।
ध्यान से देखिए, और एमयू साइन कर दिया सोलर प्लांट लगाने के लिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 8000 मेगावाट का, राजस्थान की सरकार के साथ। अब राजस्थान की सरकार जागी, उसने अब टेंडर निकाला, ठीक उसी तरीके का टेंडर जो महाराष्ट्र ने निकाला, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक उसी तरीके का टेंडर जिसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई कि आप बिजली के क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा कीजिए जिससे जनता को सस्ती बिजली मिल सके, ठीक उसी तरीके का टेंडर निकाला गया और कहा गया हमको सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए, सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए, कितना चाहिए 11,200 मेगावाट चाहिए। पहले एमयू साइन कर लिया गया, पहले नया प्लांट लगाने की क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद टेंडर निकाल दिया गया, अभी टेंडर डाला जाएगा, टेंडर डालने के बाद 100% फील्ड सजा दिया गया है, तैयारी हो चुकी है, राजस्थान में भी ये ठेका किसी और को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी को दी जाएगी और 25 साल का एग्रीमेंट करके 25 साल तक राजस्थान की जनता को भी लूटा जाएगा। ये पहले से ही इस मामले में आगाह कर देना चाहता हूँ। वहाँ तो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से टेंडर अलॉट हो गया अडानी को, और यहाँ भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है। जो पूरा देश जानता है अडानी जी के पक्ष में जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा, जो संगठित भ्रष्टाचार आपके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंदे के साथ मिलके, भजन लाल के साथ मिलके महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर 25-25 साल तक बिजली के नाम पर जनता को लाखों करोड़ रुपए की उनके साथ लूटने की तैयारी कर चुके हैं, इस पर कौन जवाब देगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सीधे तौर पे सामने दिख रहा है। अपराधी आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चोरी मुंसिफ बना हुआ है। इन पे कोई ईडी सीबीआई कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होगी, तो इसलिए यह मामला आपके संज्ञान में लाना था। इस देश की जनता को अब निर्णय करना पड़ेगा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बिजली फ्री देती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बिजली के नाम पर लूट की खुली छूट देती है। अभी माननीय सांसद संजय जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि किस तरह दोनों स्टेट्स में जो टेंडर डॉक्यूमेंट हैं वो टेलर मेड किए गए अडानी को सूट करने के लिए। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हमें ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। हम देखते हैं कि कहाँ सबसे सस्ता माल हमें मिल रहा है और वहां से खरीद के हम घर बनाते हैं। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में और राजस्थान में डॉक्यूमेंट ऐसे बनाए गए कि चाहे सबसे महंगी सौर ऊर्जा हो, चाहे सबसे महंगी थर्मल ऊर्जा हो, वो सिर्फ एक मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ही सप्लाई कर सके। वहां पे राजस्थान में तो एक और कंडीशन डाल दी कि जो प्लांट होना चाहिए वो राजस्थान के अंदर ही होना चाहिए। आज की तारीख में जब पूरे देश में पावर ग्रिड है, आप कहीं पे भी बिजली बना के कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे सस्ती बिजली हो और कंज्यूमर को फायदा हो,
ना कि ये उद्देश्य हो कि हमारे फ्रेंड अडानी को फायदा हो। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिन रात कोशिश करते हैं कि कैसे देश के हर नागरिक का 4 पैसा बचे। दिल्ली में आज की तारीख में 200 यूनिट बिजली फ्री है, वहीं बंबई में 200 यूनिट का जो खर्चा है वो 3,000 है, जयपुर में 200 यूनिट का खर्चा लगभग 2,500 है। तो अरविंद केजरीवाल जी का दिन रात ये प्रयत्न रहता है कि हमारा पैसा बचे। मोदी जी का प्रयत्न रहता है कि कैसे जो मोदी जी के BFF हैं, बेस्ट फ्रेंड अदानी, उनकी जेब में हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई पहुंचाई जा सके। सर एक सवाल, सर एक आप लोगों ने पहला सवाल ये उठाया कि मिक्स टेंडर निकालेंगे, मतलब सोलर पावर भी वही कंपनी देगी और थर्मल पावर वही कंपनी देगी, लेकिन ये तो देश में चल रहा है, दिल्ली में भी जो बिजली सप्लाई होता है वही कंपनी थर्मल भी देती है वही सोलर। टेंडर उसके अलग अलग निकाले जाते हैं, टेंडर का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। एक साथ ऐसे कंडीशन नहीं निकालते जिसमें कि सिर्फ कुछ चंद प्लेयर ही, 2-3 लोग टेंडर डालें और एक को मिल जाए, एक बात। दूसरी बात, राजस्थान के केस में क्या हुआ, राजस्थान में तो ऐसी शर्त लगा दी, पहले MOU साइन किया कि भाई 8,000 मेगावाट का सोलर प्लांट हमें यहां लगाना है, उसके बाद उतने ही मेगावाट के लिए टेंडर निकाल दिया, 3,200 मेगावाट थर्मल पावर चाहिए, उतने ही मेगावाट के एक्सपेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, एनवायरमेंट क्लियरेंस ले लिया। तो ये तो किसी एक आदमी के लिए, अडानी के लिए आप कर रहे हैं ना। और दूसरी शर्त आपने क्या लगा दी, जो कि अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, आप कह रहे इसी राज्य में बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी को ये टेंडर में अप्लाई करने का अधिकार है। तो भैया छोटे प्लेयर को जो वहां पे है, जो वहां छोटे छोटे प्लांट सौर ऊर्जा के लगाए हुए हैं, राजस्थान के लोगों को फायदा होता। आपको तो मालूम है ना कि इतना बड़ा सोलर प्लांट सिर्फ अडानी लगा रहा है, इतना बड़ा थर्मल प्लांट सिर्फ अडानी के पास है और उसी राज्य में है, इसलिए आपने ये शर्त लगा दी कि उसको ठेका मिल जाए। सर देश में पावर सेक्टर में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पे पावर सप्लाई कर रही हैं, 3-4 कंपनियां हैं। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि क्या आप इसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा कीजिए। अगर बड़े प्लेयर ही फायदा उठाते रहेंगे तो छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने वाले व्यापारी क्या करेंगे, उनको तो आपने डुबा दिया। आप इस देश के अंदर मगरमच्छ पैदा कर रहे हैं, बड़े मगरमच्छ वो छोटी मछलियों को निगल जा रहे हैं, भाई उनका भी तो रोजगार है। हो सकता है वो 1.5 रुपए यूनिट जनता को बिजली दे दे, 2 रुपए यूनिट बिजली दे दे। आपने इतना बड़ा टेंडर निकाल दिया जिसमें मोनोपोली है, जिसमें एकाधिकार है, वो 4 रुपए यूनिट नहीं 5 रुपए यूनिट निकाल दे। सर मार्च 2024 से पहले कभी मिक्स टेंडर आया है किसी राज्य में, नहीं आया है। मैं समझता हूँ वो आप लोग भी थोड़ा देखिए उसकी जांच आप भी कीजिए। हर सर्दियों में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनता है, सैटेलाइट इमेज। आगे आगे अब आप लोगों को भी जाना है। चलो चलो चेतन चेतन चेतन।